भारतीय नौसेना ने एक बार फिर से कारनामा कर इतिहास रच दिया है। देश में पहली बार किसी वॉरशिप पर फाइटर प्लेन की नाइट लैंडिंग हुई है। लैंडिंग एयरक्राफ्ट INS विक्रांत के फ्लाइट डेक पर पहली बार रात में MiG-29 फाइटर जेट की नाइट लैंडिंग हुई। इंडियन नेवी ने इसका वीडियो भी शेयर किया है। नौसेना ने इसे आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बताया है और ये काफी मुश्किल भी होता है। इसकी वजह यह है कि एयरक्राफ्ट कैरियर की स्पीड 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और फाइटर जेट की स्पीड आमतौर पर 250 किलोमीटर प्रति घंटे के करीब होती है। ऐसे में पायलट को जेट की स्पीड कैरियर की स्पीड के हिसाब से मैनेज करनी पड़ती है।